हेलो स्टूडेंट्स, सुनील सर की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जरा ध्यान से देख लीजिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम प्लस कर देंगे रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, प्लस कर देंगे प्रॉफिट, प्लस कर देंगे मिक्स्ड इनकम। जब इन सबको प्लस कर देंगे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो एनडीपीएफसी होगा, इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। जब हम वही आगे जो है कन्वर्जन वाला रूल अप्लाई होगा, जब हम एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहते हैं। तो एन हमारा दे रखा है, एन से एन हो गया। जब हम डी को एन में कन्वर्ट करेंगे तो एनएफआईए प्लस कर देंगे, ठीक है, और एफसीएफसी दे ही रखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये हमारा एनएनपीएफसी निकल कर आ गया। आगे देखें, यदि आपके क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन ना हो, उसकी जगह पर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दे रखा हो, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दे रखा हो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखी हो, तो पहले हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में प्रॉफिट जो है वो नहीं दे रखा हो तो हम क्या कर, उसकी जगह क्या दे रखा हो, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा हो, डिविडेंड दे रखा हो, रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी है, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, तो हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाएगा। एक चीज और मैं आपको अलग से बताने जा रहा हूं कि यदि आपके पेपर में आपके क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया जाए तो उसमें हम रेंट के साथ रॉयल्टी प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट प्लस कर देंगे और प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल कर आ जाएगा। मेरी इस वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके देखिए, इस फार्मूले को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तभी हम आगे के न्यूमेरिकल इनकम मेथड से कर पाएंगे और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके।